अनहिता जो है वो झकास की प्रोग्रामिंग हेड है और बहुत ही स्ट्रिक्ट एंड वेरी बॉसी. ऑब्वियसली बॉस है तो बॉस ही है, बट एट द सेम टाइम बहुत हैपनिंग, हॉट और अपने इंटर्न्स के लिए आइडियल है. एंड जहाँ राघव अपने इंटर्न्स को बहुत ओवरपावर करता है, डोमिनेट करता है, उन्हें टॉर्चर करता है, बार बार उन्हें डराता है कि वो ये कर देगा, वो कर देगा, वहाँ पे अनहिता आ जाती है. और राघव को अंदाज़ा भी नहीं होता है कि जो नई प्रोग्रामिंग हेड है वो अनहिता है. और अनहिता और राघव का एक पास्ट रह चुका है, जो कि राघव को अनहिता उसकी वजह से भी, और भी अनहिता की एज एन इंडिविजुअल भी काफ़ी अपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं जिनकी वजह से वो राघव को ओवरपावर करती है. और चैनल में इनफैक्ट राघव से भी ज़्यादा अनहिता के डिसीजंस जो होते हैं वो चलते हैं. और अगर अनहिता डिसाइड कर लेती है कोई चीज़ तो फिर उसमें राघव भी कुछ नहीं कर सकता है. और फॉर इंटर्न सरप्राइज, अनहिता जब आती है और इंटर्न्स को पता नहीं होता है, उन्हें ही लगता है कि जस्ट शी इज़ वन ऑफ द स्टाफ मेंबर इन द चैनल, तो बड़ा कूल और कैजुअली उसके साथ बिहेव करते हैं. लेकिन जब वो प्रॉब्लम में होते हैं और राघव उनकी क्लास ले रहा होता है, तभी अनहिता वहाँ पर एंटर होके बोलती है कि मेरी परमिशन या मुझसे पूछे बगैर आप लोगों को कोई भी फायर नहीं कर सकता, राघव भी नहीं. वहाँ जाके सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं. दैट इज़ वॉट अनहिता इज़. शी इज़ ऑलवेज देयर टू यू नो हेल्प एंड गाइड हर इंटर्न्स एंड take Raghav's case. At the same time, I really relate to the character so very well, because I won't say कि मुझे dominate करना अच्छा लगता है, but हाँ, मुझे अच्छा लगता है कि जब अगर मुझे पता है कि मैं कोई बात सही बोल रही हूँ तो उसको सामने वाला accept करे. उस चीज़ के लिए मैं मतलब चीज़ें बिगाड़ना नहीं चाहूँगी, but I think when you have power, तब आपको अपनी बात किसी से भी मनवाना बहुत आसान हो जाता है. तो मेरे और अनहिता के बीच में फ़र्क सिर्फ इतना है कि अनहिता के पास में पावर है और मेरे पास में पावर नहीं है यार. मैंने अब तक जितने भी शोज़ किए हैं वो सब डेली सोप थे, सास बहू ड्रामा, फैमिली ओरिएंटेड, जिसमें मैंने हमेशा साड़ीज़ पहनी हैं, या कभी नेगेटिव प्ले किया है, कभी सेमी नेगेटिव, कभी एकदम पॉजिटिव, कभी एक फाइटर. काफ़ी सारे शोज़ हैं. आप काफ़ी अभी मैं अपने प्रीवियस शोज़ के बारे में बात नहीं करूँगी, लेकिन एज़ कम्पेयर टू माई प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस, आई थिंक आई एम फॉर्चुनेट वन टू गेट दिस शो, बिकॉज ये एक तो यूथ बेस्ड शो है और इट्स अबाउट द चैनल. क्योंकि अब तक हम लोग चैनल के थ्रू और प्रोडक्शन के थ्रू काम करते हैं, अब हम खुद उस चीज़ को फील करेंगे कि वी आर द चैनल एंड वी आर वर्किंग. एंड अब हम लोगों को मौका मिल रहा है कि हम ऑडियंस को बताएंगे कि एग्जैक्टली सब होता कैसे है. जैसे बहुत सारे लोग हम कहीं जाते हैं तो आके रैंडम क्वेश्चंस करते हैं कि कैसे होता है, कैसे काम होता है, शोज़ कैसे बनते हैं, अच्छा ये TRPs क्या होती हैं और किस तरह की पॉलिटिक्स होती है. तो जब वो लोग ये शो देखेंगे तो उसके अंदर एक तो हर इंसान अपने आप को इस कॉन्सेप्ट से और हर कैरेक्टर से रिलेट कर पाएगा कि हाँ हम बॉस हैं, और जो बॉस नहीं है, जो इंटर्न्स है, वो बोलेंगे हाँ ये हमारे साथ होता है. और दूसरा ये कि बहुत हटके शो है, बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत सारी टीचिंग्स हैं, बहुत सारी लर्निंग्स हैं. और मी एज अ कैरेक्टर, मुझे अपने आप को लोगों को दिखाने का मौका मिलेगा कि मतलब श्वेता भी ऐसी है, बिकॉज मैं वो एकदम सारी हैवी मेकअप, हैवी ज्वेलरी और सिर्फ यू नो मेकिंग फेसेस वो सब नहीं करने वाली हूँ. पहली बार समथिंग वेरी नेचुरल, समथिंग विच इज़ यू नो वेरी मच रियलिस्टिक. I think it's gonna be a beautiful and wonderful show, and I'm really lucky and I'm thankful to God that I got this opportunity, because I think लोगों को साल लग जाते हैं इस तरह का कोई रोल पाने में या इस तरह का कोई शो पाने में after doing daily soaps, जहाँ पे वो ऑलरेडी आपको एक ऐसी छवि में देख चुके होते हैं जहाँ पे आप बहुत बड़े लगते हो. और फिर सडनली आप सोचोगे कि अरे यार इसको कॉर्पोरेट लुक में अगर हम कास्ट करें तो आई थिंक कोई भी एक बार उसको 10 बार सोचेगा. बट आई डोंट नो वॉट रियली वर्क फॉर मी. I think by grace of God, I not think, I'm too sure by grace of God I got this show, and I'm really working very hard towards it, and I really hope and wish that you all support and love the show and encourage us and send your ideas also. We would love to receive them and actually put it in the concept, you know, that will really work for us. I was really surprised to know that I am part of the show, and that too I'm playing Anahita, and till the time I signed my contract I wasn't even aware of what I'm doing in the show exactly.
the thought of being associated with the show was only more than enough for me to take up the show. You know, मेरे लिए उस time पे ये नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ या मेरा कितना फुटेज है या मेरा रोल कितना इंपॉर्टेंट है. मेरे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि मेरे को एक नई लीग में एंटर होने का मौका मिल रहा है जो कि वाकई में बहुत हटके है. कोई इंसान आई थिंक सोचेगा भी नहीं क्योंकि आई थिंक अब तक सबका एक वो हो चुका है, एवरीबडी इज फेड अप सीइंग सास बहू ड्रामा, वो नेगेटिविटी, ये वो, कोई ये सोचता ही नहीं उन लोगों के बारे में जो कॉरपोरेट वर्ल्ड में है या जो कॉल सेंटर्स में है, जिनके बॉसेस हैं, जो किसी के अंडर में काम करते हैं. वहाँ पे क्रिएटिविटी क्या है आप देख लेना. हमारे जो इंटर्न्स दिखाए हैं वो नमूने हैं पाँचों के पाँचों, जो कैरेक्टर्स हैं अपने आप में एक एक कमाल के. आई थिंक इस तरह के कैरेक्टर्स हर जगह एग्जिस्ट करते हैं. मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ मीडिया में या सिर्फ झकास में, आपके आसपास भी वैसे कैरेक्टर्स हैं जो आप देखेंगे तो आप बोलेगा अरे हाँ यार, यू नो, यू रिजेंबल दैट पर्सन, यू रिजेंबल दिस कैरेक्टर, तब ज़्यादा मज़ा आएगा, यू नो. एंड आई थिंक उस चीज़ की वजह से मैंने ये रोल एक्चुअली मुझे ब्लेसिंग लगता है बिकॉज इट्स सो डिफरेंट. मतलब इट्स एक्चुअली अ सरप्राइज एंड गॉड्स गिफ्ट टू मी कि मैंने सोचा ही नहीं था कि सडनली ऐसा कुछ आएगा एंड इट विल जस्ट टर्न माई, यू नो, करियर अराउंड. इट रियली डिड. इट वॉज एक्चुअली इनिशियली आई वॉज रियली स्केर्ड बिकॉज इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मी बिकॉज आई हैव टू प्ले अ कॉर्पोरेट, अ बॉस हु हेड्स द, हु इज़ अ प्रोग्रामिंग हेड ऑफ द चैनल. एंड आई नेवर हैड एनी क्लू, यू नो, लाइक हम लोग अगर काम भी करते हैं, शूट भी करते हैं तो वी मीट क्रिएटिव्स इन ऑल बट नॉट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. इतने ज़्यादा इंटरेक्शंस नहीं होते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स या उनकी हैबिट्स या उनकी एक उनका एक, यू नो, कैरेक्टर ग्राफ कुछ इस तरह से कभी ना तो ऑब्जर्व किया, कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरह से कुछ करना पड़ जाएगा कभी. बट आई थिंक बींग एन एक्टर यू शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग. आपको कभी भी कुछ भी प्ले करना पड़ सकता है. बट दिस इज समथिंग वॉज रियली डिफिकल्ट बिकॉज हर कोई किसी न किसी के अंडर काम कर रहा है. अगर हम बॉस हैं तो हम किसी के अंडर काम भी कर रहे हैं, हमारा भी कोई बॉस है, यू नो. तो उस चीज़ को जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, वो भी ऑन स्क्रीन जब सारे लोग देख रहे हैं. तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे या शी इज़ राइट, बहुत सारे होंगे नो या शी इज़ नॉट डूइंग इट फाइन, ऐसे थोड़ी होता है. तो उस चीज़ को आई थिंक मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत कमाल कर रही हूँ. आई थिंक आई एम जस्ट ट्राइंग टू ग्रो इन इट एंड आई विल ट्राई टू इम्प्रूव डे बाई डे, सीन बाई सीन, एपिसोड बाई एपिसोड. एंड फॉर दैट आई रियली डोंट वॉन्ट यू ऑल टू जज मी फॉर दैट, बट appreciate me and encourage me and support me for that. Surely, I think not only to actors, my message to all of you there is to be positive, be confident, have patience and wait for the right time to come and work things for you and never give up in life because agar jo cheez nahi hoti hai wo kisi bahut acche reason ke liye nahi hoti hai, bahut hi acche reason ke liye nahi hoti hai, lekin wo hame tab nahi pata chalta hai jab time aata hai aur jo cheez ho rahi hoti hai wo aapki imagination ke bahar hoti hai, tab hame pata chalta hai ki thank god us time pe wo nahi hua, agar wo ho gaya hota to aaj ye nahi ho raha hota. It sounds very funny but this is the truth. बिकॉज ये मैंने एक्सपीरियंस किया है क्योंकि इस शो के पहले मैं एक शो ले रही थी और वो लास्ट मिनट पे कैंसिल हो गया है और मैं इतनी ज़्यादा अपसेट हो गई थी कि ये क्या तरीका है, दिस सो अनप्रोफेशनल, कि सब फिक्स होने के बाद में, वर्कआउट होने के बाद में मैंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया, पूरा शेड्यूल बना दिया, दूसरे प्लान्स कैंसिल कर दिए, इस शो के लिए मना कर दिया, उसके लिए मना कर दिया और ये शो भी हाथ से चला गया. तो मैं मतलब बहुत आई वॉज पिस्ड ऑफ, रो रही थी और बहुत क्रिप कर रही थी. फिर सडनली मेरे को 3-4 दिन बाद ही कॉल आया इन लोगों से, डीजे से, और आई वॉज टोल्ड कि ऐसे ऐसे करके आई एम फिक्स्ड फॉर दिस शो एंड कैन यू जस्ट कम डाउन टू द ऑफिस. एंड आई रियलाइज्ड एंड नाउ आई नो व्हाट आई हैव. अगर मैं तब कर रही होती तो अपने उस कमिटमेंट की वजह से शायद मैं ये शो नहीं कर रही होती. सो यू नो देर इज़ ऑलवेज समथिंग बेटर कमिंग अप फॉर ऑल ऑफ अस, नॉट ओनली फॉर मी. आई थिंक देर इज समथिंग रियली रियली मच बेटर फॉर यू ऑल दैट यू डोंट इवन, यू कॉन्ट इवन थिंक ऑफ यू. आई थिंक यू गेट मोर देन वॉट यू डिज़ायर एंड फॉर दैट यू हैव टू जस्ट बी पॉजिटिव. नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद एनी वन, नेवर बी जेलस, नेवर बी इनसिक्योर इन लाइफ. ऑलवेज लुक अप टू द राइट थिंग्स इन पॉजिटिविटी एंड लेट देम बी पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी एंड योर लाइफ स्टाइल एंड इट रियली वर्क, इट्स वंडरफुल.